हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कॉलर माइक। तो चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। तो पहले हमें ले लेना है एक खराब ईयरफोन, और उसका हमने जैक निकाल लिया है, और उसका माइक भी निकाल देंगे। देख सकते हैं मैंने निकाल लिया, और ये इसका केस था, इसमें माइक रहेगा, वो आपको निकाल देना। तो अब मैंने ले लिया एक कॉपर वायर, और आप कोई भी वायर ले सकते हैं। मेरे पास दूसरा वायर नहीं था तो मैंने यही यूज़ कर लिया। देख सकते हैं इसको मैंने दो साथ में छोड़ दिए। अब हम इस पर कोटिंग होती है उसको आग लगा कर निकाल देंगे। तो देख सकते हैं मैंने निकल कर चेक पर आटी दे दिए। मेरा सोल्डरिंग वायर ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं आटी से ही काम कर लूँगा। देख सकते हैं, देख सकते हैं मैंने इस पर टैपिंग भी कर ली है। अब इसके दूसरे सिरे पर हम माइक लगाने वाले हैं, वही तरीके से हम भी इस पर कोटिंग हटा कर माइक लगा देंगे। तो ये वाला माइक मेरा ख़राब था, इसलिए मैंने माइक बदल दिया है। और आप ध्यान रखें कि मेरी तरह गलती मत करें, पहले माइक मत लगाएं, आपको आगे पता चल जाएगा मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। देख सकते हैं हमें एक बोल खाली पेन लेनी है, और इसका हम थोड़ा सा भाग कट कर लेंगे, और इसका ढक्कन हम यूज़ करने वाले हैं। तो देख सकते हैं मैंने कट कर लिया, इस तरह से हम कट करने वाले हैं। और मैं इसलिए कह रहा था कि इसके वायर हम पेन के होल में से पसार करने वाले हैं। तो आप भी ये भूल मत करना। देख सकते हैं मैंने इसमें से निकाल लिए, अब मैं माइक में छोड़ दूंगा और फिर ढक्कन में लगा दूंगा। देख सकते हैं मैंने इसमें टैपिंग कर ली, अब इसमें यहाँ पर लगा देगा। देख सकते हैं अब हमारा माइक रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर पेन के ढक्कन पर जो वॉल है वहाँ पर माइक आ गया, और आप इस पर फोम भी लगा सकते हैं जिससे बैकग्राउंड नॉइज कम आए। देख सकते हैं हमारा माइक तैयार हो चुका है। तो अब टेस्टिंग में जो वॉइस आएगी वो इसी माइक की होगी, तो आप देख लेना। तो हेलो फ्रेंड्स, जो अब वॉइस आ रही है वो इसी माइक की है। तो आप कमेंट करके बताना कैसी वॉइस है, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।